वेलकम टू पीजी नेटवर्क। एज यू नो दैट आई एम प्रदीप गिरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आप कैसे किसी का भी व्हाट्सएप डेटा आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से। अगर आप किसी एप्लीकेशन की मदद से डाउनलोड करना चाहती है तो उसके लिए वीडमेट है, सबसे बेस्ट है नोटिस ऐप। इस एप्लीकेशन की मदद से आप किसी के भी डेटास भी डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज को भी देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं इस वीडियो के आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से डेटा डाउनलोड करना दिखाऊंगा। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहूँगा, जो भी इस चैनल पर नया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरा ये व्हाट्सएप का कुछ डेटा अच्छे से देख लीजिए जिसको मैं बाद में डाउनलोड करके दिखाऊंगा। चलिए व्हाट्सएप पर चलते हैं। मेरा ही कुछ डेटास आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि मैं इसी डेटास को आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाऊंगा, आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब इसी डेटास को डाउनलोड करते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से। तो उसके लिए आप अपनी फाइल मैनेजर पर जाइए, आप जो भी फाइल मैनेजर यूज़ कर रही है उस पर जाइए, जैसे कि मैं गूगल की फाइल मैनेजर यूज़ कर रहा हूँ। चलिए उस पर चलते हैं। आ गया मैं अपनी फाइल मैनेजर पर। अब आपको यहाँ पे अपनी फाइल मैनेजर की सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी शो हिडन फाइल्स नाम की, आपको इस ऑप्शन को कर देना है टर्न ऑन। आप यहां से बैक आ जाइए, उसके बाद चलते हैं इंटरनेट स्टोरेज पर। उसके बाद आपको जाना है अपनी व्हाट्सएप फोल्डर के अंदर। व्हाट्सएप फोल्डर पर आने के बाद मीडिया फोल्डर पर जाना है। यहां पर डेटासेस नाम की एक फोल्डर है, इसी के अंदर आपकी व्हाट्सएप की सारी डेटा स्टोर है। सो दोस्तों, अब आपको जिसका भी डेटा अच्छा लगा उससे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही लेके अपने डेटास पर डाल सकती है या फिर किसी दोस्त को भेज सकती है। लेकिन दोस्तों, और एक बात क्लियर कर देता हूँ, या फिर डेटासेस तब तक के लिए स्टोर रहेगी जब तक के लिए उनका स्टेटस व्हाट्सएप पर रहेगी। मतलब अगर किसी ने अपना डेटास डिलीट कर दिया तो यहाँ से भी वो डेटास ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अगर आपको किसी भी डेटास परमानेंटली स्टोर करना है तो आप तुरंत उस फाइल को इस फोल्डर से दूसरी फोल्डर में कॉपी या फिर मूव कर लीजिए। अगर हम फिर से सो हिडन फाइल्स को टर्न ऑफ कर देंगे तो फिर से डेटासेस नाम की फोल्डर गायब हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।